ओके सो हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो G1 ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने मैं यहाँ पे ड्राइव टेस्ट ओंटेरियो गया था, उससे जो मुझे पता लगा है चीजें वो मुझे इंडिया में बैठे हुए नहीं पता थी। तो मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। आपका यहाँ पे जो ड्राइवर्स लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो काफी ईजी हो जाएगा। ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के बारे में सोचा तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि मुझे इसके लिए एक DL एक्सट्रैक्ट चाहिए होगा। अगर आप +2 के बाद आ रहे हो तो आपको DL एक्सट्रैक्ट की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए होता है जिनके पास इंडिया का ड्राइवर्स लाइसेंस हो और वहां पे उनको 3 साल 4 साल इतना कुछ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो टेस्ट देने पड़ते हैं बीच में से एक टेस्ट स्किप हो जाता है, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मुझे पता था कि DL एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये ऐसा कुछ DL एक्सट्रैक्ट है जो कि ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर रजिस्टर करने के बाद, पेमेंट करने के बाद RTO के ऑफिस से ये मिलता है। तो मैं ये तो ले आया साथ में, और मेरा पिछला ड्राइवर्स लाइसेंस भी था जो इंडिया का, जिसपे चिप लगी होती है। तो जब मैं यहाँ पे लाया तो मुझे पता लगा कि इस पे एक RTO की स्टैम्प भी होनी चाहिए, जो कि पंजाब गवर्नमेंट, मैं जैसे पंजाब से हूँ, आप किसी भी, मेरा जो फ्रेंड है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था तो उसको उस गवर्नमेंट की यहाँ पे स्टैंप लगी थी कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो टेक्निकली आपको ओरिजिनल DL एक्सट्रैक्ट यहाँ पे सबमिट कराना है तो उस पे स्टैंप होनी चाहिए। मेरे वाले पे स्टैंप नहीं है तो उन्होंने ये DL एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज जब मुझे पता लगी कि ये DL एक्सट्रैक्ट सबमिट नहीं हो सकता क्योंकि इस पे स्टैंप नहीं है, इसको वो ओरिजिनल कंसिडर नहीं करते, तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस भी है जिसपे चिप है, अगर वो देख के आप खुद चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट से तो वेल एंड गुड। मुझे क्योंकि वो G2 टेस्ट जो होता है वो स्किप करना था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो उस पे लेमिनेटेड था मेरा कार्ड जो था ड्राइवर्स लाइसेंस कार्ड वो लेमिनेटेड था, उन्होंने कहा लेमिनेशन उतार दो, चिप एक्सपोज कर दो, हम बाद में खुद चेक करके आपको परमिट कर देंगे कि आप G2 स्किप करके सीधा G टेस्ट दे सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं टेस्ट की अगर बात करूं तो 3 टेस्ट होते हैं, G1, G2 और G, ये कार ड्राइविंग के लाइसेंसेज है। G1 लाइसेंस जो है वो एक रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं थ्रेटिकल और 20 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, आपको दोनों में 16 16 ठीक करने हैं, 4 4 आप दोनों टेस्ट में गलत कर सकते हो। अगर G1 टेस्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके दो एप्लीकेशन जो मैंने यूज की थी वो है G1 जीनियस और G1 ओंटेरियो, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल थी। तो मैंने इसमें से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस किए थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आ गए थे, और जो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आते थे, मतलब एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था तो 40 में से 39 इन टोटल मेरे ठीक थे। बाय चांस जो फ्रेंड्स मेरे G1 टेस्ट देने गए भी थे उनके अगर पहली बार में टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उसी टाइम वो $15 16 और देके दोबारा टेस्ट री अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते थे वो दोबारा रिपीट हो जाते हैं, या कहीं इधर उधर से जो पिछले टेस्ट में से जो रिपीट नहीं भी हो रहे थे जो नए क्वेश्चन आते भी हैं वो बाय चांस आपको आते ही होते हैं, वो ईजी होते हैं। तो आप $16 दे के दोबारा टेस्ट उसी टाइम री अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये कर लिया करो अगर बाय चांस पहली बारी में क्वालिफाई नहीं भी किया आपने। तो G1 टेस्ट जब आपने दे दिया तो उसी टाइम आपको वो उसका एक टेम्पररी लाइसेंस दे देते हैं जिसपे फोटो वगैरह नहीं होती, वो तब तक आप उसको यूज कर सकते हो जब तक आपका फोटो वाला कार्ड वाला लाइसेंस घर पे नहीं पहुंचता। तो इसमें क्या होता है, जब आपके पास G1 लाइसेंस आ गया, आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, तो आप एक ऐसे ड्राइवर के साथ, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर जो आपका इंस्ट्रक्टर है टेक्निकली, आप उस ड्राइवर के साथ कार चला सकते हो जिसको यहाँ पे एटलीस्ट 4 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, उसके बिना आप कार नहीं चला सकते, आप अकेले कार नहीं चला सकते। तो G1 टेक्निकली जब आप रिटन एग्जामिनेशन दे देते हो तब टेक्निकली आप कोचिंग ले सकते हो किसी से ड्राइविंग की, तो यहाँ पे जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहां पे आप 2 या 3 क्लासेस जितने भी आप कंफर्टेबल हो अटेंड करके G2 टेस्ट देने जा सकते हो। G2 जो है वो G1 के बाद टेस्ट होगा और इसकी फीस जो है वो G1 के टाइम ही ले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जब G1 देने गया था तो मेरे से इन्होंने टोटल $158.25 इतनी फीस ली थी, जिसमें $100 कुछ जो है वो G1 के हैं और $50 कुछ जो है वो G2 के हैं। तो टोटल $158 जो है वो G1 और G2 की कंबाइंड फीस है। अब यहाँ पे ये DL एक्सट्रैक्ट का जो है, या जो आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है इंडिया का जिसमें 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो काम आता है। अगर आप वो दिखा देते हो तो आप G2 स्किप करके सीधा G टेस्ट दे सकते हो। जी टेस्ट देने का डायरेक्ट ये फायदा है कि अगर आपने ऊबर का यहाँ पे प्लान किया हुआ है तो ऊबर के लिए आपको सिर्फ जी लाइसेंस ही चाहिए। तो जी लाइसेंस अगर आप जितना जल्दी हो सके तो आप ऊबर में कार ड्राइव करके अर्निंग शुरू कर सकते हो अपनी, तो उसके लिए G2 स्किप करना बेनिफिशियल है। अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है तो
बेटर है कि पहले G2 दे दो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर फुली परमिसेबल लाइसेंस के लिए आप टेस्ट दो, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है, उसमें ज्यादा रूल्स हैं, हाईवे पे कार चलानी है आपको, जो वहां पे वैल्यूएटर होगा उसके साथ बैठ के। तो बस ये है, अपनी प्रैक्टिस पे है, जितनी जल्दी आप कार सीख गए उतनी जल्दी आप सारे टेस्ट क्लियर कर लोगे। तो ये है, इस वीडियो में बेसिकली जो पूरे प्राइजेस हैं हर चीज के, बाकी जो एम लाइसेंस भी है, मोटरसाइकिल लाइसेंस भी है, उस पर जितने भी पैसे लगते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ में। और यही बताना था कि अगर आप डीएल एक्सट्रैक्टर लाना चाहते हो तो ये स्टैम्प्ड ले आना, ताकि शो हो कि ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। उसका पर्पस यही है कि उनको ओरिजिनल कॉपी सबमिट करानी है। अब ये वाला जो है, इसमें किसी तरह की स्टैम्प नहीं हो सकता है, फोटोकॉपीड भी हो तो उनको स्टैम्प्ड चाहिए। अगर सिग्नेचर्स भी हो जाए किसी के उस पे पेन के साथ तो वेल एंड गुड। सो